नमस्कार, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के इस खास पेशकश में आपको पर्यावरण की अहमियत को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुहिम दिखाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा लगाकर समाज और देश को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। सीएम चाहे मध्य प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश से बाहर हो, वो पौधारोपण जरूर करते हैं। तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी सीएम का पर्यावरण के प्रति ये प्रेम ही है कि दिन भर वो किसी कीमत पर भी पौधारोपण के लिए वक्त जरूर निकालते हैं। शुक्रवार को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क पर पौधारोपण किया, लेकिन ये दिन कुछ खास था। खास इसलिए क्योंकि इस दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पर्यावरण को बचाने की मुहिम में पूरी न्यूज स्टेट की टीम भी साथ रही। सीएम ने न सिर्फ न्यूज स्टेट की टीम के साथ पौधारोपण किया बल्कि न्यूज स्टेट के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश। दरख्तों से सीखो सलीका जीने का, जो धूप छाओं से रिश्ता बनाए रखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी पर अमल करते हैं और इसीलिए नर्मदा जयंती से लगातार रोज एक पेड़ लगा रहे हैं, जिसको एक साल पूरा होने जा रहा है। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि ये जो पेड़ लगाने का सिलसिला आपने शुरू करा, एक साल पूरा होने जा रहा है, तो अब ये तो आपसे कई लोग पूछ चुके हैं कि आपके क्यों आया आपके दिल में, लेकिन क्या ये सिलसिला अब अनवरत चलेगा या एक साल बाद जो है ये सिलसिला रुकेगा? अब पेड़ लगाते लगाते पहले तर्क के कारण पेड़ लगाते थे कि पर्यावरण बचाना है तो हमको पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ रहेंगे तो धरती सुरक्षित रहेगी, पेड़ रहेंगे तो जीव जंतुओं का जीवन मनुष्य के साथ वो भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब तर्क नहीं, अब भावना भी उसमें जुड़ गई है। पेड़ों से आत्मीयता पैदा ऐसी हो गई है, ऐसा लगता है जैसे पेड़ पुत्र हों, और पेड़ रोपते हैं तो ये लगता है कोई जीवन रोप रहे हैं, और जीवन भी केवल पेड़ के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी। क्योंकि एक वयस्क पेड़ पे अगर आप देखेंगे तो चिड़ियाँ आपको चहचहाती हुई मिलेंगी, अनेकों तरह के जीव जंतु, चींटे चींटी, कीट पतंगे, वो उस पर ऊपर चढ़ते नीचे उतरते हुए दिखेंगे। कई लोगों को जीवन देता पेड़, तो जो जीवन दाता है हम उसको जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। एक साल बहुत बड़ा समय होता है, बीच में कोविड काल भी आया, ठंड पड़ी, कभी पानी गिर रहा था जोर से, कैसे कभी आप बाहर चले गए, कहीं चुनाव प्रचार आ गया, कैसे मैनेज करा पूरे एक साल तक इसको? देखिए, जब मन में दृढ़ निश्चय होता है, संकल्प शक्ति होती है, तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आती। भोपाल में भी बारिश हो चाहे और कोई परिस्थितियाँ हों, रोज पेड़ लगाया ही। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आमतौर पर यह वातावरण, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पेड़ लगाते ही हूँ, इसलिए लगाता हूँ कि लोग पहले से ही लेके खड़े रहते हैं, कि लोगों को लगता है ये तो पेड़ लगाए गए, आपकी पहचान हो गई है। हाँ, लेकिन प्रदेश के बाहर भी जहाँ जाता हूँ वहाँ पहले से हम तय करते हैं किस पार्क में लगाना है, किसी शहर के किसी और स्थान पर लगाना, तो वो स्थान तय रहता है और वहाँ भी मैं पेड़ लगाता हूँ, तो कोई भी बाधा आज तक नहीं आई। आपने पेड़ भी लगाए तो अलग अलग प्रजाति के लगाए, और पेड़ों की विशेषताएं भी आप लोगों को, कई बार मैंने देखा कि आप जिनके साथ जाते थे उनको बताते थे कि इस पेड़ की क्या विशेषता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो शुरू हुआ है अभियान मध्य प्रदेश में, जो आपने शुरू करा है, ये एक जन आंदोलन बनेगा आने वाले समय में? देखिए, पेड़ लगाने का मतलब, मैं जानता हूँ कि अकेले मेरे पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। पेड़ लगाना अगर निरंतर जारी रहता है तो वो साधना बन जाता है, संकल्प साधना में परिवर्तित हो जाता है, और जब संकल्प साधना में परिवर्तित होता है तो वो दूसरों को भी प्रेरणा देता है। फिर मैं ये कहने का अधिकारी भी हो जाता हूँ कि मैं लगा रहा हूँ आप भी लगाओ, और नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम भाषण दें लगाओ और खुद कुछ करें ही नहीं। और इसलिए मैं हमेशा हर जगह ये संदेश देता हूँ कि मैं रोज़ लगाता हूँ, आप किसी विशेष प्रसंग पर परिवार में, आपका जन्मदिन है तो पेड़ लगा दें, पत्नी का जन्मदिन है तो पेड़ लगा दें, शादी की वर्षगांठ है तो पेड़ लगा दें, बच्चों का जन्मदिन है तो पेड़ लगा दें, यहाँ तक कि माता पिताजी की पुण्य स्मृति है तो पेड़ लगा दें, कोई विशेष प्रसंग आए तो पेड़ लगाएं, तो पेड़ लगाना जन आंदोलन बन जाए। हम मुख्यमंत्री से लगातार बातचीत करते रहेंगे। अभी जो है
आप मुख्यमंत्री हैं तो विकास की बात भी आती है और साथ में पर्यावरण की बात भी आती है। विकास और पर्यावरण, इन दोनों में कैसे संतुलन इस समय बिठाया जा सकता है? देखिए, विकास और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम विकास काय के लिए करते हैं? इंसान की ज़िंदगी आसान बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हम सारी चीज़ें डेवलप करते हैं। जब ज़िंदगी रहेगी तभी तो विकास का कोई अर्थ है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, क्लाइमेट चेंज के खतरे हैं, पूरी दुनिया चिंतित है, अगर धरती सुरक्षित नहीं रही आने वाली पीढ़ियों के लिए तो विकास का क्या करेंगे? इसलिए विकास के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमको काम करना पड़ेगा, और दोनों चीज़ें की जा सकती है। विकास और पर्यावरण विरोधी नहीं है। आप कुछ सावधानियां रखते हुए अगर विकास करेंगे तो विकास भी होगा लेकिन पर्यावरण भी बचेगा। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर में ही कचरे से CNG का प्लांट लगा दिया और वो CNG चलेगी, डलेगी सिटी बसों में। सिटी बस जब CNG से चलेगी तो प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण सुधरेगा। तो विकास भी हम करें, बस भी चलाएं, लेकिन तरीके ऐसे ढूंढ लें। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट अगर कोई है तो वो पेड़ ही है, और इसलिए दोनों परस्पर विरोधी नहीं है। हम विकास के साथ हम प्लांटेशन को भी जोड़ देना। नदियों का संरक्षण भी एक बड़ा इस समय मसला चल रहा है, छिपरा की बात भी आ रही है, नर्मदा तो आपका जिसे कहें कि घर आंगन है, तो नदियों का संरक्षण भी पेड़ों के साथ साथ कैसे किया जाए? क्योंकि आप लंबे समय से आपने खुद नर्मदा यात्रा की थी, कैसे इसको प्लान कर रहे हैं? नदियों के संरक्षण के लिए भी किनारों पर पेड़ जरूरी है, मिट्टी का कटाव कम होगा, नदियों की धार कल कल छल छल करके बहती रहेगी अगर दोनों तटों पर पेड़ है, क्योंकि पेड़ पानी अवशोषित करते हैं वर्षा जल और बाद में बूंद बूंद करके छोड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जनता में अवेयरनेस भी पैदा करनी पड़ेगी। एक प्रयास जो प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है गंगा जी के दोनों तटों पर प्राकृतिक खेती का, हमने तय किया कि हम बढ़ाएं गंगा जी के साथ साथ नर्मदा जी के दोनों तटों पर भी प्राकृतिक खेती के लिए लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करें। ये भी कहा है कि मंत्री और मैं भी जो है, मेरी भी जो खेती है उसको भी जो है, हम लोगों ने ये तय किया है बाकायदा बैठक करके कि जिसके पास खेती की जितनी ज़मीन हो, पूरी में नहीं, अभी 1/4 में 25% 25% में कम से कम प्राकृतिक खेती करें, तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि हम करेंगे तो हम कहने के अधिकारी रहेंगे, इसलिए शुरुआत अपने से करेंगे। जी, मेरे साथी शुभम और जितेंद्र भी एक एक सवाल आपसे करना चाह रहे थे। जी, तो पेड़ लगा दो। जी बिल्कुल सर, आइए तब तक अपन एक पेड़ लगाते हैं। और मुख्यमंत्री ने जो ये संकल्प लिया था, और जहाँ भी वो जाते हैं हमने देखा है, वो चाहे अन्य राज्यों का दौरा रहा हो या मुख्यमंत्री आवास में ही रहा हो, स्मार्ट सिटी पार्क को हमने देखा था शुरुआत में कि किस तरह की तस्वीर उसकी हुआ करती थी, और अब उसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ये भी हम देख रहे हैं कि कितना हरा भरा फूलों के साथ यहाँ पर जो है। जी सर, साथ ही हाथ बढ़ाना। जी सर, तो सर ये संकल्प जो आपने एक वर्ष पहले लिया, अब तो 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, आगे भी ये चीज़ें सिलसिला जारी रहेगा, और आप क्या सोचते हैं, क्या लक्ष्य आप इसको सोचते हैं कि हम कैसे आगे? कल जब मैं पेड़ों के बारे में सोच रहा था तो मेरे और पेड़ के संबंध वैसे ही हैं जैसे लाडली लक्ष्मी बेटियों से मेरे संबंध हैं। बेटियों को देखते ही, विशेषकर वो बेटियाँ जिनको गोद में लेके मैंने लाडली लक्ष्मी के बचत पत्र दिए थे, तो मैं उनको देख के प्रसन्नता से भर जाता हूँ। बताए कि एक अलग आत्मीयता, स्नेह या ममता टपकती है, वही स्थिति अब इन पेड़ों के साथ हो गई है। पेड़ लगते हैं परिजन या पुत्रों जैसे, क्योंकि इनको हम लगाते हैं तो ये केवल इनके लिए नहीं है इनका जीवन, ये कई को जीवन देते हैं, न केवल ऑक्सीजन दे के बल्कि एक वयस्क पेड़ पे कई जीव जंतु, पक्षी, कीट पतंगे पलते हैं, इंसान के लिए तो उपयोगी है ही। सर, हमने देखा था इस पार्क को ही, आपने ही देखा था ये क्या हुआ करता था, और अब इसकी तस्वीर देखिए कैसी बदल गई। मन में प्रसन्नता होती है कि जब एक व्यक्ति का प्रयास एक पार्क को हरा भरा कर सकते हैं तो जनता अगर जुट जाए तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन, तो वो सपना जनता ही साकार कर सकती है। हमने सर देखा है कि, या मानते भी हम कि एक पेड़ लगाना, एक पौधा लगाना तीर्थ करने के बराबर होता है। कोई एक पेड़ कटता है आपको कितनी पीड़ा होती है?
निश्चित तौर पर पेड़ कटना वेदनादायी है। अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही है, मकानों में भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें लकड़ी के दरवाजे या बाकी सामान के बजाय अब दूसरी चीज़ें धातु की और बाकी अलग अलग तरह की चीज़ों की आ रही है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस पर, इस प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। जितना विकास के लिए बहुत आवश्यक है उतना छोड़ के पेड़ ना कटे, वही फैसले हमको करना पड़ेगा। देखिए एक आपके साथ लगाएंगे दिशा में, क्योंकि मैं अकेला नहीं लगा रहा आजकल, एक मुख्यमंत्री जी आप एक पेड़ नहीं दो तो सवेरे लगेंगे जी। इसीलिए वो उनकी संख्या भी 365 से ज्यादा हो चुकी है। तो शिवराज जी आप रोज लगभग एक से ज्यादा पौधा लगाते हैं, आपने संकल्प एक का लिया था और एक से ज्यादा की पर्यावरण और बेहतर। अब दो तो यहाँ हो जाते हैं, इसके बाद पेड़ लगाना पहचान बन गई है। तो मैं जहाँ जाता हूँ लोग पेड़ लेके तैयार रहते हैं कि मामा पहले पेड़ लगाओ, तो हर जगह वो पेड़ लगते ही है, ऐसी संख्या और बढ़ी है। बतौर मुख्यमंत्री बहुत सारी चीज़ों को बड़ी नई पहचान आपने दी है, जैसे लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं हैं, अब पेड़ लगाने की बात है, और बीच में आपने यात्रा निकाली थी नर्मदा सेवा यात्रा, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की यात्रा थी, और इस तरह की यात्रा शायद किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं निकाली। तो वहां से जो नर्मदा के किनारे जो पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए अभी और क्या क्या हो रहा है जो आपको लगता है और होना चाहिए? देखिए प्रयत्न लगातार जारी है, नर्मदा जी के संरक्षण के लिए सबसे आवश्यक है पेड़ ही, इसलिए कि नर्मदा जी ग्लेशियर से नहीं निकली। नर्मदा जी तो जो प्रकट हुई है विंध्याचल और सतपुड़ा अमरकंटक से अगर प्रकट हुई है, तो जो साल के वन हैं पेड़ हैं वो वर्षा जल अवशोषित करते हैं और बूंद बूंद करके छोड़ते हैं, वही नर्मदा जी की धार बनती है। और सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों तरफ है नर्मदा जी के, तो उन पेड़ों से जो बूंद बूंद जल रिश्ता रहता है वही नर्मदा जी की धार बन के कलकल छल छल करके बहता रहता है। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी नर्मदा जी की धार और सबल होके बहती जाएगी और हमको जल देगी। लेकिन उसके साथ साथ अब कुछ चीज़ों पर विचार करना और आवश्यक है, जैसे एक केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण दोनों चीज़ें, पेड़ लगेंगे तो कटाव कम होगा, मिट्टी नहीं तो बह बह के जाती रहती। दूसरे केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग के कारण धरती का स्वास्थ्य, पृथ्वी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, माटी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और लोगों को जो खतरे हैं वो तो है ही, केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण कई तरह की बीमारियां हो रही है उस अन्न को खाने से, सब्जियों को खाने से। तो अगर हम नदियों के तट पर ये तय करें कि कम से कम नदियों के तट पर प्राकृतिक खेती करेंगे, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र की नहीं, जो हमारा प्राकृतिक खाद है वो डाल के, कीटनाशक की ज़रूरत है तो वो बनता है गोमूत्र से, गोबर से, उसमें गुड़ डाल के, हल्दी डाल के, अलग अलग चीज़ों से, तो उसका उपयोग करेंगे तो जल भी शुद्ध रहेगा, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं होंगे तो जो उत्पाद होगा, उपज, जो उपज होगी वो मनुष्य के लिए भी बहुत स्वास्थ्यकर रहेगी। तो एक उस प्रयास को भी करना है। हम बात करेंगे सर, आपके लगातार कार्यक्रम रहते हैं, आप भोपाल में रहते हैं, हम हर दिन देखते हैं आप वृक्ष लगाते हैं, इसके अलावा आप जब चुनाव प्रचार में जाते हैं या किसी कारण से कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ इस पूरे कार्यक्रम को कैसे मैनेज करते हैं? लोगों को एक तो पता चल गया कि मैं पेड़ लगाऊंगा ही, दूसरे मैं खुद भी खबर कर देता हूँ, आऊँगा तो भैया इतना कष्ट करना पड़ेगा, मेरे आने की कीमत ही है कि आप एक पेड़ लगवा के जब मैं लगा के जाऊँ तो उसके बाद भी उसको देखते रहो, और वो बड़ी प्रसन्नता के साथ लोग करते हैं। आप एक परिवर्तन देखिए, आजकल कार्यक्रमों में फूल मालाएं कम हो गई, बुके कम हो गए, लोग पौधे भेंट करते हैं, तो परंपराएं बदल गई। मुझे तो लगता है धीरे धीरे अब पौधों का बैंक बना देना चाहिए, जो पेड़ पौधे आएँ उनको सुरक्षित करने का स्थान बना दें, फिर वो धीरे धीरे लगते चले जाएँ, लगाने के लिए लोगों को देते चले जाएँ, तो अलग तरह का वातावरण बनता है। अब मुझे या तो तुलसी का पौधा देते हैं या किसी और प्रजाति का कोई पेड़ देते हैं, पौधा देते हैं, कि अब शिवराज आए तो फूल क्या देना, पेड़ ही भेंट करो। तो ये धीरे धीरे माइंडसेट भी बदलता है, मानसिकता भी बदलती है, और मैं समझता हूँ ये हम बदल पाए तो जीवन सफल ही हो जाएगा। सर नवकरणीय ऊर्जा को अगर हम प्रकृति से जोड़ें तो उसको लेकर सर किस तरह की तैयारी? मध्य प्रदेश में कई तरह की चीज़ें हमने प्रारंभ की है, क्योंकि पर्यावरण बचाना है तो ये थर्मल पावर प्लांट जैसी चीज़ें भी, हमको ऊर्जा की खपत कम करनी पड़ेगी, और गैर परंपरागत जो ऊर्जा है विशेषकर सूरज ऊर्जा का स्रोत है, और एक ज़माना था जब सोलर प्लांट से जो बिजली मिलती थी वो 16 रुपया और 14 रुपया यूनिट आती थी, अब तो घट के वो 2.5-3 रुपया हो गई,
टेक्नोलॉजी के कारण। तो मध्य प्रदेश में सोलर पावर प्लांट रीवा में सबसे बड़ा लगाए एशिया का, उस समय तक कोई नहीं था उतना बड़ा। नीमच में लगाए, अभी हमने तय किया शाजापुर, आगर, मुरैना, छतरपुर, अलग अलग ज़िलों में नीमच ये पावर प्लांट लग रहा है। यहाँ तक के ओमकारेश्वर में जो हमारा बांध है उस पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की हमने तैयारी की है। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना है। मुझे बता तू खुशी है, 296 मेगावाट के प्रपोजल्स हमारे पास आए हैं जो मेनली किसान लगाएंगे, दो दो मेगावाट के, और वो जो बिजली पैदा करेंगे वो हम सीधे ग्रिड में ले लेंगे और एक निर्धारित राशि रेट पे उनसे बिजली लेंगे, जिससे बिजली उनके लिए घाटे का सौदा नहीं है। वो सूरज से बिजली बनाएंगे, सरकार को बेचेंगे, सरकार उस बिजली को जनता को देगी। तो जहाँ जहाँ बिजली ऐसे बन सकती है सोलर की, वहाँ प्रयास जारी है। सर, इसके अलावा आपने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का जन्मदिन मनाया जाएगा, क्या उसे भी प्रकृति के साथ जोड़ा जाएगा? मैं उसको जोड़ रहा हूँ इसलिए कि एक धारणा बन गई है कि जो कुछ करेगी सरकारी करेगी, और कई बार मैंने देखा सरकारी काम गुणवत्तापूर्ण होते ही नहीं, क्योंकि गांव में भी चिंता नहीं करती। स्कूल की बिल्डिंग बन रही हमें क्या करना सरकारी है, सड़क बन रही है, नाली बन रही हमें क्या करना सरकारी है, ये भाव रहता है तो काम ठीक नहीं होते। मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी है, मेरे लिए तीर्थ है, इसलिए हमने तय किया कि गांव हो चाहे शहर हो, उनका एक दिन, मैंने अब जन्मदिन कहा है और भी कोई उपयुक्त शब्द हो सकता है, उस दिन उस गांव के लोग, जैसे मैंने जयंत का तय किया है नर्मदा जयंती, मैं मेरे गांव से शुरू कर रहा हूँ, नर्मदा जयंती मेरे गांव का जन्मदिन होगा, हम हर साल मनाएंगे। मैं जा रहा हूँ 3 घंटे गाँव में, गाँव के लोगों से चर्चा करूँगा और फिर गाँव के लिए, हाँ गाँव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जितने जयंत के लोग बाहर है सबको बुला रहे हैं हम उस दिन कि सब जयंत में रहेंगे, मैं भी जयंत जाऊँगा और बैठेंगे सब, और सब मिलकर तय करेंगे इस साल भर में जयंत को कहाँ ले जाना है, सरकारी योजनाओं से और हमारे अपने माध्यम से। ये भाव पैदा हो गया भोपाल में, अगर भोपालवासी तय करें हमारे भोपाल को बढ़ाना है तो बढ़ेगा। जैसे सर इंदौर में तो इंदौरवासी तय कर लें, अब इंदौर में एक अलग भाव हो गया स्वच्छता को लेकर, जनता जुट गई तो स्वच्छता में मिसाल बन गया। तो मैं हर एक गांव और शहर को मिसाल बनाना चाहता हूं। जनतंत्र में जनता के बिना तंत्र कुछ नहीं कर सकता, जन को आगे आना पड़ेगा और जन को लाने के लिए एक दिन हम दें, वो अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, फिर जिसका जो योगदान होता जाएगा वो करते जाएंगे। नर्मदा जी से प्रधानमंत्री जी ने जो है वो माखन नगर और होशंगाबाद को जो है नर्मदापुरम करने पर केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी, कितना आप क्या? मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे। होशंगाबाद वास्तव में अगर इतिहास में जाएं तो होशंग शाह के नाम पे ये बाद में नाम रख दिया है, लेकिन होशंगाबाद की पहचान ही नर्मदा जी थी और नर्मदापुर था ही, वो बाद में नाम बदले गए। तो अब मूल नाम जो होशंगाबाद वासियों की इच्छा थी अब नर्मदापुरम होगा, और बाबई का नाम, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, दादा माखनलाल उनका जन्म ही वहाँ हुआ था, उनके नाम पे माखन नगर होगा। ये प्रासंगिक है ये करना, ये किसी महापुरुष के नाम पर गांव की अपनी परंपराएं, जीवन मूल्य के आधार पर अगर नाम हो तो वो बेहतर होगा और ये अच्छा फैसला है। सर, आपने ये भी कहा है कि नर्मदा जी के किनारे पे प्राकृतिक जो खेती है वो भी कराई जाएगी। हम कराई जाएंगे मतलब सरकार नहीं करेगी, हम किसानों को प्रेरित करेंगे, तो वो अभियान शुरू नर्मदा जयंती के दिन से आह्वान करेंगे। फिर इस साल तो फसल वो कटेगी, आगे से हमारी कोशिश ये होगी कि जागरूकता पैदा हो और लोग प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, तो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। मुख्यमंत्री जी, नेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, एक बार सब हम लोग साथ आ जाएं कि आपने मेरे साथ वृक्षारोपण का पवित्र कार्य किया है, और न्यूज नेशन इस चेतना को पर्यावरण बचाने के लिए और आगे बढ़ाने में जनता को एजुकेट करेगा, ये मेरा विश्वास है। न्यूज नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण के प्रति जो उनका लगातार एक चेहरा सामने निकल कर आता है वो यहाँ देखने को मिला, कि किस तरह से उन्होंने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करने के साथ ही उन्होंने लोगों से भी यही आह्वान किया है कि आप इसी तरह से वृक्षारोपण करते रहें ताकि प्रकृति को बचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।